गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना आप सभी का अपने चैनल मैसवाला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज मैं जो शिक्षण योजना आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको पसंद आएगी और यह आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की शिक्षण योजना में। यह योजना कक्षा 7 के लिए है, जिसका विषय हिंदी है, समय 40 मिनट, लर्निंग आउटकम छात्र हाव भाव व शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पाठ करते हैं। प्रकरण जागो जीवन के प्रभात, सीखने सिखाने की सामग्री श्यामपट चौक पाठ्यपुस्तक। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, इसमें आपके 3 कॉलम बनेंगे, चरण समय आकलन। चरण में पहला पॉइंट है शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, इसकी समय अवधि होगी आपकी 5 मिनट की। आकलन के तरीके में छात्रोत्तर, शिक्षक प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि आप में से कितने बच्चे सुबह जल्दी जाग जाते हैं। छात्रोत्तर, बच्चे हाथ उठाएंगे। आपके अलावा और कौन कौन सुबह जल्दी जागता है, पक्षी, माता पिता आदि। जो जागने के बाद भी बिस्तर नहीं छोड़ते हैं वह लोग क्या कहलाते हैं। बच्चों, जो लोग नींद से जागकर भी उठते नहीं वे आलसी कहलाते हैं। आज की कविता जिसे श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है वह हमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दे रही है। शिक्षण के दौरान, इसकी समय अवधि होगी 15 मिनट। शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं उतार चढ़ाव के साथ कविता का वाचन, तत्पश्चात छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन, कविता के अर्थ का सरल शब्दों में स्पष्टीकरण करना, कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखना, छात्रों द्वारा उसे अपनी संचिका में लिखना। शिक्षण के अंत में छात्रों द्वारा कविता पाठ तथा शिक्षक द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देना, जैसे वसुधा पर किसकी बूंदें बिखरी हैं, उषा क्या बटोर रही है, अरुणाचल में क्या चल रही है। गृह कार्य, छात्र कविता कंठस्थ करके आएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, छात्रों को अभ्यास कार्य कराना तथा आगामी दिवसों में शब्द अर्थ गतिविधि द्वारा शब्द के अर्थ याद करना कराना तथा कार्यपत्रक का प्रयोग करना। पाठ 1, जागो जीवन के प्रभात, अर्थ स्पष्टीकरण। पाठ 1, जागो जीवन के प्रभात, शब्द अर्थ। ओके फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपसे अब अनुमति लेना चाहूँगा। इसी तरह की अन्य योजनाओं को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।